प्रिय छात्रों, कक्षा 12वीं के व्यवसायिक अध्ययन विषय के अंतर्गत अध्याय 18 के अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे विपणन प्रबंध अध्याय का। विपणन प्रबंध जिसको हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। तो विपणन क्या है कि सामान्य तौर पर जैसे कि हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। व्यक्ति को जो है वस्तु और सेवाओं की आवश्यकता होती है और अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो जो है उत्पादन प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन का सृजन करता है। परंतु एक चीज़ जैसे हम देखते हैं कि सिर्फ वस्तुओं का निर्माण करना ही आवश्यक नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार जो वस्तुएं निर्मित की जाती हैं तो सिर्फ निर्माण वस्तु से मतलब नहीं, उस निर्मित वस्तु को उपभोक्ता तक किस प्रकार से पहुंचाया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि व्यक्तियों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति जो है उत्पादन प्रक्रिया द्वारा उनका सृजन किया जाता है, अर्थात आवश्यकता अनुसार जो है वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। अब यहाँ जो है उत्पादन बस पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे आवश्यकता वाले लोगों तक पहुंचाना भी पड़ता है, अर्थात वस्तु का आवश्यकता अनुसार हमने उत्पादन किया और उत्पादन होने के पश्चात उस वस्तु और सेवा को आवश्यकता अनुसार जो है जिसको उसकी आवश्यकता है उस तक पहुंचाना। अतः ऐसा बाजार हो जो वस्तुओं और सेवाओं को निर्माता के पास से उपभोक्ता तक पहुँचाया जा सके, यह बाजार जो है विपणन तथा उसके कार्यों और विपणन प्रबंध आदि का हम यहाँ पर अध्ययन इस आधार पर करते हैं। तो सबसे पहले हम बाजार देखते हैं जो इसका प्रथम चरण है। बाजार क्या है? तो बाजार वो क्षेत्र है जहाँ पर कि क्रेता एवं विक्रेता जो हैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारियों द्वारा एक दूसरे से इतने निकट संपर्क में होते हैं कि बाजार के एक भाग में प्रचलित मूल्य जो है दूसरे भाग में प्रचलित मूल्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो बाजार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि बहुत अधिक मात्रा में क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं और ये प्रत्यक्ष रूप से क्रेता और विक्रेता जो हैं दोनों आपस में प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहते हैं। और साथ ही एक चीज़ और बिंदु यहाँ पर भी ये भी है कि बाजार में जो उस वस्तु या जो सेवा का जो मूल्य है प्रचलित मूल्य है वो दूसरे भाग में प्रचलित मूल्य को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। यदि एक स्थान पर वो वस्तु इतने रुपए की मिल रही है तो दूसरे स्थान पर भी वो वस्तु उतने रुपए की ही प्राप्त होगी। तो ये जो है बाजार से आशय। इसके बाद हम देखते हैं विशेषताएं क्या है। नंबर एक, बाजार में क्रेता और जो विक्रेता हैं इतनी मात्रा में होते हैं कि इनके बीच में प्रतियोगिता बनी होती है। विक्रेता को अपनी माल बेचने की पड़ी होती है और क्रेता को जो है कम से कम कीमत पर बेहतर से बेहतर उत्पादन को खरीदने की होड़ यहाँ पर रहती है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में यहाँ पर आपस में जो है फैले होते हैं, क्रेता विक्रेता बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और बाजार में जो प्रतियोगिता है वो यहाँ पर बनी होती है। फिर बाजार से आशा एक ऐसे क्षेत्र से है ना कि स्थान से, अर्थात बाजार जो है पर्टिकुलर कोई स्थान नहीं, ये अलग अलग क्षेत्र वाइज जो है फैला हुआ होता है। फिर बाजार में स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, यहाँ पर जो है आपस में पूर्ण रूप से स्वतंत्र प्रतियोगिता रहती है और उसी आधार पर मूल्य का भी निर्धारण यहाँ होता है। और अंतिम जो है क्रेता और विक्रेता का होना आवश्यक है, अर्थात बाजार में यदि खरीददार और बेचने वाला नहीं होगा तो वो बाजार नहीं कहलाएगा। तो ये जो है बाजार की परिभाषा और बाजार की विशेषता। अब हम देखते हैं विपणन। विपणन क्या है? प्रारंभ में विपणन को जो है विक्रय के समानार्थी माना जाता था। सामान्य तौर पर विपणन को जो लिया जाता था कि माल को बेचने से संबंधित, तो जिस प्रकार से विक्रय में माल को बेचा जाता उसी तरह से विपणन को भी विक्रय के ही समानार्थी माना जाता था। परंतु व्यवसाय में परिवर्तन होने से इसे व्यापक रूप से लिया जाने लगा। तो अभी यहां विपणन का जो अर्थ है उन समस्त व्यवसायिक क्रियाओं के निष्पादन से है जो वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को उत्पादक से उपभोक्ता की ओर निर्देशित करती है। अर्थात विपणन में ऐसे सभी प्रयास या प्रयत्न सम्मिलित हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं को स्वामित्व हस्तांतरण एवं भौतिक वितरण कार्य में सहायक
होते हैं। तो विपणन में वे सभी प्रयास जो उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक के बीच में हैं, वो सभी प्रयास जो हैं वो क्या हैं, विपणन के अंतर्गत हैं। अर्थात यहाँ पर स्वामित्व का हस्तांतरण और भौतिक रूप से वितरण जो है उपभोक्ता तक पहुँचे। तो ये विपणन आज जो है, विपणन जो है वो उपभोक्ता मूलक हो गया है। अर्थात उपभोक्ता मूलक से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो भी उत्पादन किया जाता है वो उपभोक्ता की आवश्यकता अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हो गया है। तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो उदाहरण के तौर पर हम देखें कि यदि हम वस्तुओं में किसी प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं तो हम अपेक्षा उसी प्रकार की रखते हैं कि बाजार से हमें उसी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हों जो हमारे इस तरह के उपयोग की हों। तो इस प्रकार से बाजार से जब हम अपेक्षा रखते हैं तो बाजार से वो बात उत्पादक तक पहुंचती है, उसके अनुरूप जो है उत्पादक माल को तैयार करता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर विपणन जो है वो उपभोक्ता मूलक हो गया है। उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिन्हें बाजार में बेचा जा सके। उत्पादक जो है उपभोक्ता मूलक होने से वो उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जो बाजार में बेच सके, अर्थात उपभोक्ता उसकी उपयोगिता को प्राप्त कर सके। तो विपणन प्रबंध जो है एक प्रकार से अनिवार्य मांग प्रबंध बन गया है, डिमांड मैनेजमेंट। अर्थात बाजार में उपभोक्ताओं की जिस प्रकार से डिमांड रहेगी उसी प्रकार से उस मांग की पूर्ति जो है उत्पादनकर्ता के द्वारा की जाएगी। तो विपणन प्रबंध जो है वो वर्तमान में क्या बन गया है, मांग प्रबंध एक प्रकार से बन गया है। अब मांग प्रबंध में जो उत्पादनकर्ता विपणन स्रोत के माध्यम से उपभोक्ता मांग का विश्लेषण एवं पूर्वानुमान लगाता है। अब यहाँ उत्पादन क्या करता है, विपणन स्रोत के आधार पर मार्केटिंग में रिसर्च करता है मार्केट में कि किस उपभोक्ताओं की मांग किस प्रकार से है, उसका अनुमान लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, और जो मांग अनुमानित मांग उसको प्राप्त होती है उसके अनुरूप जो है वह वस्तु का नियोजन एवं विकास करती है, अर्थात उत्पादन करता है। तो वही उपभोक्ता की मांग को बढ़ाना तथा भौतिक वितरण व बिक्री पश्चात जो है सेवा प्रदान करने संबंधी कार्य विपणन करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि विपणन जो है मूल रूप से क्या है, उपभोक्ता मूलक हो गया है। उपभोक्ता की रुचि उसकी इच्छा अनुसार जो है उत्पादनकर्ता द्वारा माल को उत्पादित किया जाता है और उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसको वो बाजार में बेच सके। तो ये विपणन से आशय। इसके बाद विपणन के लक्षण या विशेषताएं, नंबर एक है आवश्यकता एवं इच्छा। आवश्यकता एवं इच्छा ये ऐसे शब्द हैं प्रत्येक मनुष्य की किसी न किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने की क्या होती है, इच्छा होती है। लेकिन उसकी आवश्यकता वो कब बनती है, जब उसको पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन हो। तो ऐसा है कि प्रत्येक इच्छा जो है वो आवश्यकता नहीं हो सकती, लेकिन प्रत्येक आवश्यकता जो है वो इच्छा हो सकती है। तो यहाँ आवश्यकता जो है वो मनुष्य की क्या है, मूल अपेक्षा होती है, जिसके लिए उत्पादनकर्ता अपनी वस्तुओं व सेवाओं का विकास करता है जो इस उद्देश्य की पूर्ति कर सके। अर्थात प्रत्येक मनुष्य की जो आवश्यकता है, जो उसकी इच्छा है, उसको उत्पादनकर्ता जो है पूरा करने के लिए उसके अनुरूप जो है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, उसका विकास करता है। दूसरा जो है उत्पाद का सृजन। विपणन की यहाँ एक समन्वित व्यावसायिक योजना एवं कार्यक्रम के रूप में होती हैं। यह आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों के विस्तृत विश्लेषण पर आधारित होती हैं। तो ये उत्पादन का सृजन करते हैं। फिर ग्राहक के योग्य मूल्य, क्रेता जो है वस्तु को खरीदते समय यह देखता है कि वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति किस मूल्य तक कर सकता है। अर्थात जब हम किसी वस्तु को बाजार में खरीदने जाते हैं तो साथ में ये देखते हैं कि हमारी आवश्यकता के अनुसार हम किस हद तक मूल्य को चुका सकते हैं। तो मूल्य के बराबर या अधिक उपयोगिता संतुष्टि चाहता है। तो प्रत्येक उपभोक्ता जो मूल्य चुकाता है किसी वस्तु के लिए अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उसके बराबर ही वो मूल्य चुकाना चाहता है। तो उत्पादनकर्ता को चाहिए कि उत्पाद को अधिक से अधिक मूल्यवान मूल्य अनुसार बनाए। अर्थात उसको चाहिए कि उत्पादक जो है वस्तु की कीमत को इस प्रकार से रखे ताकि ग्राहक जो उसकी कीमत को चुकाता है तो उससे वो अधिक उपयोगिता प्राप्त कर सके, अर्थात चुकाई गई कीमत से अधिक उपयोगिता को वो प्राप्त कर सके और संतुष्ट हो सके।
फिर विनिमय पद्धति, यहां वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय किया जाता है, अतः आवश्यक है कि क्रेता और विक्रेता हो, प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को मूल्य प्रस्ताव देने की क्षमता रखता हो, दोनों पक्ष में किसी भी प्रकार से संपर्क में होना चाहिए, अर्थात एक पक्ष मूल्य को देने वाला, दूसरा पक्ष मूल्य को प्राप्त करने वाला, तो विनिमय पद्धति होना चाहिए। फिर समस्या का निदान, विपणन जो है कीमत निर्धारण तथा प्रवर्तन के द्वारा मांग को बढ़ाता है। वहीं दूसरी ओर भौतिक वितरण अर्थात परिवहन, भंडारण व स्टॉक नियंत्रण के माध्यम से मांग की पूर्ति करता है। तो यहाँ पर जो है विपणन के अंतर्गत जो है उत्पादक जो है विपणन के माध्यम से कीमत का निर्धारण करता है और अपने उसमें उत्पादन में परिवर्तन करके अधिक उपयोगी बनाकर जो है मांग को बढ़ाने का प्रयास करता है, और भौतिक रूप से उपभोक्ता तक वस्तु को पहुंचाने के लिए परिवहन, भंडारण और स्टॉक का नियंत्रण करता है, और इस हिसाब से इस अनुसार जो है मांग की वो पूर्ति करता है। तो ये विपणन की लक्षण या उसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे विपणन और विक्रय में अंतर क्या क्या है। विपणन जो है ग्राहक को विशिष्ट महत्व प्रदान किया जाता है, अर्थात उपभोक्ता मूलक जो बताया कि उपभोक्ता मूलक उत्पादन यहाँ पर उत्पादनकर्ता के द्वारा किया जाता है, तो ग्राहक को जो है विशिष्ट स्थान दिया जाता है। यहाँ उत्पाद को अर्थात जो उत्पादनकर्ता के द्वारा उत्पादित कर दिया जाता है वही माल बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है, तो उत्पाद को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा जो है बाजार आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। विपणन के अंतर्गत बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता है उस पर ध्यान यहाँ केंद्रित किया जाता है, जबकि निगम कारपोरेट आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उत्पाद जो भी किया जाता है वो कितना प्रॉफिटेबल रहेगा, कितना अधिक हम लाभ कमा सकते हैं, उस हिसाब से उत्पादन यहाँ किया जाता है। फिर तीसरा है बाजार मूलक विक्रय प्रयास किए जाते हैं। विपणन के अंतर्गत जो है बाजार की दशाओं के अनुसार, बाजार की स्थिति के अनुसार जो है माल को बेचने का प्रयास किया जाता है। फिर विक्रय में जो है कंपनी मूलक विक्रय प्रयास किए जाते हैं। फिर है ग्राहक की मांग उत्पादन का निर्धारण करती है, मांग के अनुसार आपूर्ति करना होती है। विपणन के अंतर्गत जो है ग्राहक की मांग किस प्रकार की है, कितनी मात्रा में, उसके हिसाब से उत्पादन का निर्धारण किया जाता है, कितना उत्पादन किया जाए, और इस हिसाब से मांग के अनुसार आपूर्ति भी करना होती है। जबकि यहाँ पर वस्तुएं उत्पादित हो चुकी हैं तो उत्पादित हो चुकी वस्तुओं को प्रबंध लाभ पर बेचना चाहता है, जो भी उत्पादित माल उत्पादित हो चुका है उसको सीधा सीधा वो बाजार में बेचना चाहता है। विपणन जो है वो दीर्घकालीन उद्देश्य से किया जाता है, तत्काल के लिए नहीं है, ये एक लंबे समय तक के लिए बाजार में अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए जो है विपणन प्रक्रिया जो है वो दीर्घकालीन उद्देश्य से पूरी की जाती है, जबकि विक्रय जो है तत्काल में माल को बेचने के लिए अल्पकालीन उद्देश्य से की जाती है। फिर विपणन में सर्वोच्च प्राथमिकता उचित कीमतों तथा उपयुक्त जोखिम पर बिक्री को लाभप्रद बना मात्रा तथा बाजार भागीदारी या अंशों को दी जाती है। यहाँ पर जो है विपणन में सर्वोच्च प्राथमिकता जो है कीमतों को दी जाती है और बिक्री की लाभप्रद मात्रा और बाजार में भागीदारी किस प्रकार की इस पर किया जाता है। फिर विक्रय के अंतर्गत जो है लाभप्रद वृद्धि की बिक्री तथा विक्रयकर्ता के बढ़ते कमीशन स्थान पर केवल बिक्री की मात्रा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है विपणन और विक्रय में जो प्रमुख अंतर है वो यहाँ हमने देखे। अब इसके बाद हम देखते हैं विपणन प्रबंध, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो विपणन प्रबंध का जो अर्थ है विपणन कार्य का प्रबंधन, विपणन प्रबंध का अर्थ विपणन कार्य का प्रबंधन। तो वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक हस्तांतरित करने में व्यवसाय प्रबंध को जो कार्य करने पड़ते हैं वे सभी विपणन प्रबंध को व्यक्त करते हैं। यह विपणन प्रबंध की कार्य के अतिरिक्त विपणन योजना का निर्माण भी करता है। तो जॉनसन के अनुसार कहा है कि विपणन जो है विपणन प्रबंध व्यवसाय क्रिया का यह क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण विक्रय अभियान के चरणों या कदमों से संबंधित योजनाओं की स्थापना और क्रियान्वयन सम्मिलित होता है। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि विपणन प्रबंध से जो तात्पर्य है उन
विपणन क्रियाओं के प्रबंधन से है जो उपभोक्ताओं की मांग का अनुमान लगाने और उसके अनुसार उत्पादन करने, प्रभावी विपणन कार्यक्रमों का निर्माण करने और उपभोक्ता संतुष्टि के माध्यम से निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण करने से संबंध रखती है। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि विपणन प्रबंध जो है व्यवसाय क्रिया का वो भाग है जो संपूर्ण विक्रय अभियान के चरणों या कदमों से संबंधित जो विभिन्न योजना उनकी स्थापना उनको क्रियान्वित करने का कार्य करता है। तो ये विपणन प्रबंध से आशय, फिर इसके उद्देश्य या कार्य, नंबर एक बिक्री एवं बाजार का विश्लेषण करना, ग्राहकों की आवश्यकता को पहचान करना, वस्तु एवं सेवाओं का सफल विपणन के लिए विभिन्न निर्णय लेना आवश्यक है और किन अवसरों का लाभ उठाने के लिए कौन से कार्य किए जाएं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे इंटरनेट का प्रयोग, मोबाइल फोन का बाजार आदि जिनमें तीव्र विकास की संभावना है। तो यहाँ पर जो है अपने उत्पादित माल को या करने के पूर्व जो है बिक्री का और बाजार का क्या करना, विश्लेषण करना कि उनके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उसकी आवश्यकता बाजार में किस मात्रा तक है, या ऐसे कौन से अवसर होंगे कि जिन अवसरों पर अपने विशिष्ट उत्पादन को जो है बनाकर जो है बाजार में हम बेच सकें, जैसे कि इंटरनेट के प्रयोग के माध्यम से यहाँ पर, फिर मोबाइल फोन का बाजार है, बाजार में किस प्रकार के मोबाइल फोनों की डिमांड है, और तो यहाँ पर जो है इस हिसाब से किस व्यवसाय में तीव्र विकास की संभावना है उन क्षेत्रों में कार्य करना। तो संगठन को किस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए इसका निर्णय लेने के लिए संगठन की शक्तियों एवं कमजोरियों की ध्यान से जांच करना होती है। फिर दूसरा है विपणन नियोजन व लक्ष्य निर्धारण करना, उचित विपणन योजना का जो है विकास करने के लिए उसे एक पूरी विपणन योजना तैयार करनी होती है जिसमें उत्पादन के स्तर में वृद्धि, वस्तुओं का प्रवर्तन आदि जैसे महत्वपूर्ण पक्ष सम्मिलित किए जाएंगे और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है क्रियान्वयन कार्यक्रमों का निर्धारण भी होगा। तो बिक्री और बाजार का विश्लेषण करना और विपणन नियोजन व लक्ष्य का निर्धारण करना, फिर उत्पादन का रूपांकन एवं विकास, विपणन का जो महत्वपूर्ण कार्य एवं निर्णय जो है क्षेत्र उत्पाद का रूपांकन एवं विकास है, एक अच्छा स्वरूप उत्पाद की उपयोगिता को बढ़ा सकता है तथा बाजार में इसे और अधिक प्रतियोगी बना सकता है। तो उत्पादन, उत्पाद का रूप किस प्रकार का है और उसको हम कैसा डेवलप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आकर्षक होगा, उपयोगी होगा, क्वालिटी पूर्ण होगा तो वो बाजार में उसको अच्छा स्थान दिला सकता है और बाजार में इसे और अधिक प्रतियोगी भी बनाया जा सकता है। फिर प्रमाणीकरण एवं ग्रेड तय करना, इसमें वस्तु और सेवाओं को पूर्व निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करना जिससे उत्पाद में एक रूपता तथा अनुकूलता आती है। प्रमापीकरण क्रेताओं को यह सुनिश्चित करता है कि वस्तुएं पूर्व निर्धारित गुणवत्ता, मूल्य एवं पैकेजिंग के मानकों के अनुसार हैं। तो प्रमापीकरण करना और ग्रेड तय करना, उनका मानकीकरण करना, यहाँ पर जो है कि वस्तुएं जो हैं निर्धारित क्वालिटी वाली हों, गुणवत्ता वाली हों, निर्धारित मूल्य वाली हों और जो पैकेजिंग उनकी की गई है वो उसके मानक के अनुसार हो। फिर बिक्री का पूर्वानुमान लगाना एवं विपणन बजट बनाना, यहाँ पर बिक्री का बाजार का विश्लेषण करके जो है बिक्री का अनुमान लगाना और विपणन में जो व्यय संबंधित है उसको बजट को तैयार करना। फिर विपणन कार्य को संपादित करने के लिए विपणन से जुड़े व्यक्तियों, वित्त, भौतिक सुविधाओं आदि का एकत्रीकरण करना। कुछ प्रश्न है इससे, बाजार से क्या आशा है इसकी विशेषताएं लिखिए, दूसरा विपणन से आशा है उसकी परिभाषा लिखिए तथा मांग प्रबंध की क्रियाओं को समझाइए, तीसरा विपणन के विभिन्न लक्षणों या विशेषताओं को समझाइए, चौथा विपणन एवं विक्रय में अंतर स्पष्ट कीजिए, पांचवा विपणन प्रबंध से आशा है और उसकी परिभाषा दीजिए, और अंतिम जो है विपणन प्रबंध के उद्देश्य या उसके कार्यों को समझाइए।